हेलो बच्चों, क्या हाल है? क्या हाल है आप सबका? मज़े में हो? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी? एग्जामिनेशन का अच्छा तैयारी कर रहे हो? सारे ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को ऐसे तो मैं थ्रू आउट पढ़ाया हूँ तुम लोग को, फिर भी तुम एक बार से फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं जो एक स्लॉग दूंगा तुम लोग को, उस इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के स्लॉग को एक बार बारी बारी से उसको अगर तुम अच्छे से तैयारी कर लोगे, बहुत बार उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर एग्जामिनेशन में तुमको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और बच्चे, इसी क्रम में मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट फॉर 2022 12th के लिए, फॉर सेमेस्टर वन के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मेरा टारगेट है ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में नहीं पढ़ाना, मैं लगभग रेगुलर क्लास दूंगा, लेकिन एक दिन में तुम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसा करते चलो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, सारे पेपर्स का तुमको तैयारी करना है। तो और ज़्यादा क्वेश्चन में क्या होता है ना कि तुम वो एक्यूरेसी नहीं पा पाते हो जो एक्यूरेसी तुमको मिलना चाहिए, जो जिस एक्यूरेसी को तुम गेन करना चाहते हो वो कम ही क्वेश्चन में करने का है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन एक से दो अगर पर डे लेकर के तुम चलते हो तो तुम्हें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ते जाएगा। तो बच्चे, जो मैं क्लास आज तुम लोग को देने जा रहा हूँ उसको तुम बहुत बार देखना, जब तुम्हारा क्लियर हो जाए तो फिर उसको तुम लिखकर प्रैक्टिस करना, तुम्हारा रिटेन स्किल डेवलप करेगा और फिर उससे फिर तुमको एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो बच्चे, इसी क्रम में हम तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम लोग के लिए आज मैं दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ये सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, फिर गॉसेस थ्योरम उसको लिखना है, फिर एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिराइव करना है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर्स, और फिर मैं इसके बाद और सेलेक्ट करूँगा, और क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करूंगा तो फिर मैं तुम्हारे सामने उस क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी बारी बारी से हम लोग को एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जो अपन आया यहाँ पर, ये 7-8 क्वेश्चन अपन को करना है। तो इसी 7-8 क्वेश्चन में बच्चे, आज मैं तुम लोग के लिए ये दो क्वेश्चन शुरू का 1 और 2 लेकर के तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। बच्चे, ये दो क्वेश्चन का आज हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार जब तुम तैयारी करना तो पूरा फिनिश टच देना। तो चलें क्वेश्चन की ओर। चलो, बहुत अच्छे, शाबाश। अपन आते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि बाय द वे, अगर आप दो चार्ज लेते हो, अब ए चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। पहले इस बात को तुम ध्यान दे लो, मैंने क्या बोला कि अगर बाय द वे यहाँ पर तुम दो चार्ज Q1 और Q2 लेते हो तो ए चार्ज दोनों प्लस प्लस भी हो सकता है, ए चार्ज दोनों माइनस माइनस भी हो सकता है, ए चार्ज प्लस और माइनस भी हो सकता है। तो अब तुम्हारा एक सवाल आएगा कि सर, तो फिर क्या कोई असर नहीं होगा इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है? बाय द वे, इनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ है, इनके बीच का डिस्टेंस बाय द वे आर है। तो अभी तुम्हारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही आएगा कि सर, अगर दो चार्ज आप ले लिए हो, इनके बीच का कुछ आप डिस्टेंस ले लिए हो, और आप बोल रहे हो कि चार्ज का जो नेचर है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसी को लेकर कूलम्स ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर बाय द वे दोनों सेम नेचर का चार्ज है, वो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फिर इनके बीच में रिपल्सन होगा, और बाय द वे दोनों डिफरेंट नेचर का चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना बच्चा कि अगर सेम नेचर का दो चार्ज है दोनों सेम नेचर का है, सेम नेचर कहने का मतलब होता है कि या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो, इसको सेम नेचर बोलते हैं। तो दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, विकर्षण होगा, और अगर दोनों डिफरेंट नेचर का है तो फिर इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। सबसे पहला बात तो ये है, तो ये सबसे फर्स्ट लॉ था। चलो यहाँ पर भी देख लो, सबसे फर्स्ट लॉ तो तुम्हारा यही आया। ये देखो, ये कूलम साहब हैं, हाँ प्रणाम कर लो, अच्छे हैं, भगवान हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो तुम लोग भी बहुत अच्छे कर जाओगे, तरक्की कर जाओगे। साइंस के लोग तो भाई ऐसे ही लोगों को प्रणाम करते हैं।
तो इन्होंने बोला कि अगर दोनों सेम नेचर का हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो रिपल्सन होगा, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो तो अट्रैक्शन होगा। बहुत सिंपल है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मैंने इसको तुमको एक एनिमेशन देकर के एक फिगर से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, दोनों सेम नेचर का है, प्लस प्लस है, कैसे दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, कैसे दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, क्योंकि ये रिपल्सन है, ये न्यूट्रल है, तो ना आना है ना जाना है, ना अट्रैक्शन होना, अपने जगह पर रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट नेचर का है, तो कैसे दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है। क्या मैंने बोला कि दोनों अगर माइनस माइनस है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, दोनों प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे की ओर आएगा। एक दूसरे की ओर आने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चे तो आप लोग को समझ में बात आ गया होगा, फर्स्ट और सबको समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसा ही रिस्पॉन्स देते चलो। इनका सेकेंड लॉ है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडिया इन विच प्लेस्ड। अब चार्ज जिस मीडिया में होगा किस में रहता है, कंडक्टर में होगा। अब कौन से कंडक्टर में है, क्या वो कॉपर है, क्या वो सिल्वर है, क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो चार्ज वाटर से फ्लो हो रहा है, कौन से कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है। अरे चार्ज तो जब भी होगा तो किसी मीडिया में ही होगा ना, तो उस मीडिया के नेचर पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। आप जो दो चार्ज ले रहे हो, वो दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये उसके मीडिया पर डिपेंड करेगा कि जिस मीडिया में वो प्लेस्ड है, जिस माध्यम में आपका आवेश स्थित है, उस माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करेगा। समझ में आ गया। अरे बाबा, दो चार्ज अगर लोहे के तार से फ्लो करेगा तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, और सिल्वर से फ्लो करेगा तो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, दोनों में डिफरेंट होगा, मतलब जिस मीडिया में वो है उस मीडिया के नेचर पर डिपेंड करेगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडिया, सॉरी ये दो बार लिखा गया है, इन विच प्लेस्ड। चलो इसको दो बार नहीं करने का जरूरत है। और ये सबसे मेन लॉ है कूलम्ब्स का, इन्होंने बताया था। चलो एक बार पहले मेरे से समझ लो, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाय द वे, दो चार्ज अगर आप लेते हो, फिर वही फिगर Q1 और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर F है, तो न्यूटन साहब ने कहा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप जो दो चार्ज ले लिए हो, वो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, Q1 और Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोले, समझ में आया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवेन चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का बल हो, विकर्षण का बल हो या आकर्षण का बल हो या विकर्षण का बल हो, ये दोनों के बीच में लगने वाला ये जो बल है ना, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर ये दोनों को एक साथ आप मर्ज कर लो तो आ जाएगा ए प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, यहाँ के में टूटेगा और के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ऐसे तो तुम बोलो यही फॉर्मूला आ गया। बट इस के का जो वैल्यू होता है ना, वो के का वैल्यू होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो एप्सिलॉन होता है ना, वाकई में दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन लिख के यहाँ पर जीरो दे दोगे, एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन आर। चलो इस चीज़ों को तुमको हम विथ नोट्स तुमको और आगे हम दिखलाते हैं अच्छे से। हाँ, यहाँ पर तुम पहले रूल्स को देख लो कि बाई दे वे, दोनों चार्जेज है, अगर दोनों सेम नेचर का है तो ये रिपल्सन हो रहा है, और अगर डिफरेंट नेचर का है तो अट्रैक्शन हो रहा है। और ये जो फोर्स है, ए फोर्स, क्या मैंने बोला, Q1 Q2 दो चार्जेज है, उनके बीच का डिस्टेंस R है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, तो कूलम्ब्स ने कहा A प्रोपोर्शनल Q1 Q2, A प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, दोनों को मर्ज कर लोगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हर प्रोपोर्शनल क्या चीज़ में टूटता है, कांस्टेंट में टूटता है। K क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो तुम कहना चाहो, सबसे अच्छा कूलम्ब्स कांस्टेंट कहो। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट का तीन नाम। ये देखो, ये तो लगभग सारे का नाम होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का स्थिरांक, सब होता है।
इसको तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हो और सबसे पॉपुलर सबसे इजी बोलने में कूलम्स कांस्टेंट कह सकते हो। मैंने अभी तुमको बताया कि के का जो वैल्यू होता है 1/4πε होता है। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक मीडिया बिटवीन द चार्जेज, ये एप्सिलॉन हो गया। लेकिन ये जो एप्सिलॉन है ना बेटा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट है। एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त तल का जो विद्युतशीलता है उसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और एप्सिलॉन आर को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसका एक नाम और है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इफ टू पॉइंट चार्जेज आर लोकेट इन वैक्यूम, अब अगर भाई देवे यहाँ से कंडीशन है, सभी बच्चे ध्यान दोगे कि जो तुम जिस तुम दो चार्ज का बात कर रहे हो, तुम Q1 Q2 जो दो चार्ज ले रहे हो, ये तुम्हारा चार्ज अगर वैक्यूम में है, नॉर्मल एयर में है, वैक्यूम में है, तो वहाँ पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। और अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो एप्सिलॉन है दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए ए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो के तुम क्या लिए थे, के तुम लिए थे 1/4πε, और एप्सिलॉन का बदले अगर तुम एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो तो के का वैल्यू हो गया 1/4πε। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग फर्मी पर मीटर भी बोलते हैं। अगर इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट करके सोल्व कर लोगे, क्या मतलब 1/4π 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10^-12, और इस वैल्यू को यहाँ रख करके तुम सोल्व कर लोगे तो एक ही बार तुम्हारा 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये तुम्हारा एक ही बार में वैल्यू आ जाएगा। और तुम जब यहाँ पर, तुमको बार बार वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसके बदले तुम अब एक ही बार वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4πε0 के बदले, तुम एक ही बार लिख सकते हो 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और न्यूमेरिकल बनाते समय जब तुम ये फॉर्मूला को यूज करोगे ना बेटा, तो वहाँ पर आपको एक ही बार वैल्यू पुट कर देना है, उतना एक्सप्लेनेशन, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन मेरे को बार बार नहीं करना है, तो फिर आपको बहुत ही वहाँ पर इजी हो जाएगा, आपके लिए लिखना सॉल्व करना सब इजी हो जाएगा। अगर आपसे अब कोई पूछता है, कोई बंदा आपसे पूछता है कि बताओ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का अगर आपसे डायमेंशन कोई बंदा पूछ दे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे बताओगे? तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, 1/1 क्या एफ इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2/r2। अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर ले आओगे तो एफ बाई में आ जाएगा, 1/4π का तो कोई मीनिंग है नहीं, तब हो गया Q1 Q2, एफ यहाँ आ जाएगा और आर स्क्वायर। 1/4π नंबर है और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो उसको आप हटा लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर तुम सिंप्लीफाई कर लो, बोलो चार्ज का क्या होता है 80, इस चार्ज का भी क्या होगा 80, फोर्स का क्या हो जाएगा ML T-2, R का क्या हो जाएगा तो L2। अब आप इसी को मैनेज कर लो, मैनेज कर लोगे क्या, मैनेज करने का मतलब कि M को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा M-1, L को ऊपर ले जाओ 2 और 1 3, यहाँ देखो 2 और 1 3, तीनों L ऊपर जा रहा है -3, T को देखो 1 और 2 T पहले से है, 2 और जा रहा है, तो T⁴ और ऊपर में 2 A पहले तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बोले तो A2, मतलब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया M-1, L-3, T⁴, A2। तो बच्चा उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा तुमको समझ में आ गया, पक्का कोई डाउट? अगर वेरी फास्ट मैं इसको तुमको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ, अगर बहुत ही फास्ट मैं इसको यहाँ पर लेकर के चलूँ, तो मैंने तुमको बताया कि दो चार्ज अगर तुम लेते हो Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर R लेते हो, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F लेते हो, तो दिस एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मर्ज कर लोगे तो Q1 Q2/r2, हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है K Q1 Q2/r2, Q का वैल्यू अब डायरेक्ट K का वैल्यू 1/4πε होता है, एप्सिलॉन दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, K के बदले इसका वैल्यू पुट कर दो तो 1/4πε0, सारे अमाउंट को रख करके सोल्व कर लो तो 10^9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इस के का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दो तो तुम्हारा एक बेहतर फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r2।
तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेज है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसको अच्छा से समझ गए होगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता होगा, दिक्कत अगर होगा बेटा, तो आप लोग मेरे पास ऑफलाइन क्लास में पर डे आते हो, वहाँ पूछ सकते हो। इसके अलावा भी मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा नंबर तुम लोग के पास है, जिसमें व्हाट्सअप भी है, तो वहाँ पर भी तुम आ करके मेरे से क्लियर कर सकते हो, कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। और अगर अगर क्लियर हो गया तो डैट्स माई लक, इट्स योर इंटेलिजेंसी, है ना। अच्छा से इसको पढ़ना है, क्लियर करते ही जाना है। अगर जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। झिझकना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ और ऑलवेज रेडी हूँ। चलो आते हैं अपने नए क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज एफ बाय क्यू, और अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्या मतलब? अभी जब तुम कूलम्स पढ़े तो कूलम्स में तुमने पढ़ा कि यहां पर एक चार्ज Q1 होना चाहिए, एक चार्ज Q2 होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस R होना चाहिए, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F होना चाहिए। तो F प्रोपोर्शनल या F इज इक्वल टू, बाय द वे अगर आप सीधे चलना चाहो तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एक्सलेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसी में तुम्हारा कोई एक चार्ज अगर यूनिट पॉजिटिव हो, जैसे ए प्लस वन है, इसको क्यू ज्यों का त्यों छोड़ दो, इनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ रखो, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू वन वन, क्यू टू क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स हुआ ना, इसी फोर्स को हम इंटेंसिटी कहते हैं। ए फोर्स कहाँ से आया? ए फोर्स आया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस पर, किसी दूसरे चार्ज पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ ना, इसी फोर्स को हम इंटेंसिटी कहेंगे। क्या मतलब? मैंने बोला कि बाय द वे ए फोर्स के कारण, सॉरी क्यू चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस हो गया एफ, तो बोलो यूनिट चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? तो एफ बाई क्यू। ये जो एफ बाई क्यू हुआ ना, इसी को मैं इंटेंसिटी कहता हूँ। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और वही यूनिट के कारण यहाँ पर भी फोर्स निकला, तो ये भी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मतलब दोनों में डिफरेंट है, कूलम्स और इंटेंसिटी में? तो कूलम्स में दो चार्ज कुछ भी हो सकता है, Q1 और Q2 का अमाउंट कुछ भी हो सकता है कूलम्स में, लेकिन जब तुम इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो तुम्हारा एक चार्ज एनी हाउ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंट है। तो कूलम्स का फॉर्मूला जो होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, जबकि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो Q बाई आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि हर इंटेंसिटी कूलम्स हो सकता है, लेकिन हर कूलम्स फोर्स इंटेंसिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी के लिए एक बहुत बेहतर टर्म कंडीशन है कि उसका जो एक चार्ज हो एनी हाउ वन होना चाहिए, क्योंकि ये उसका डिफिनेशन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को इंटेंसिटी बोलेंगे। आप अगर कोई बंदा आपसे बोले कि इसका यूनिट बता दो क्या होगा, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और कूलम्ब का क्या होता है, चार्ज, सॉरी कूलम्ब का चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब, तो हो गया न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम। अब देख लो कि जो मैंने यहां पर बताया, आपको कोई बच्चा को अगर बाय द वे नोट्स का जरूरत होगा तो हम लोग को उसका भी ख्याल करने का जरूरत पड़ता है, तो आप वहां पर भी आकर के उसको भी ठीक से देख लो। यहां ये रहा तुम्हारा, यस। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय किसके द्वारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, सब लोग ध्यान देना। अरे वेक्टर तो होगा ही ना, फोर्स तो है। अब क्या पढ़, इकाई धन आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाला बल, तो बल ही तो है, फोर्स ही तो है, और फोर्स है तो नो डाउट वेक्टर होगा ही होगा। सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ये वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तुमको मैंने फॉर्मूला बताया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज एफ बाय क्यू, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये तो हुआ इसका केवल डिफिनेशन। अब मैंने अभी बताया कि इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनटू 1/r स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखो। हाँ, इसको भी एक बार अच्छा से बात समझ लो,
जैसे अभी तुमने बताया कि सर E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r², लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म में है। अगर बाय द वे तुम यहां पर वेक्टर का साइन देना चाहोगे तो 1/4πε0Q/r². अब वेक्टर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, यूनिट वेक्टर देना चाहिए, आर कैप दे देंगे, यूनिट वेक्टर दे देंगे। यूनिट वेक्टर जैसे ही देंगे, मैं काफ़ी 11 में लंबा क्लास दिया हूँ, मैं अभी 11 का लेटेस्ट क्लास दिया हूँ, वो भी तुम लोगों के पास मैंने क्लास को भेजा था कि इस क्लास को तुम कर लो, 12 में तुमको बेनिफिट होगा, तो एक इसको भी कर लेना। और वहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल बताया है। तो ए आर वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। एक्चुअली इसका वैल्यू होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड अंडर आर वेक्टर, दैट मीन्स आर वेक्टर बाई आर। अब यहाँ पर अगर आंसर तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 1/4πε0Q/r² और अगर आर कैप को तोड़ दोगे तो हो जाएगा आर वेक्टर बाई आर, कहने का मतलब E इज इक्वल टू 1/4πε0 अब Q/r³ आर वेक्टर। बच्चा अब यहां पर क्या चेंजेस है थोड़ा सा क्लियर करना। अगर बाय द वे तुम यूनिट वेक्टर यहां पर दोगे, आर कैप दोगे, तो फिर यहां स्क्वायर लिखना, और बाय द वे अगर यहां पर आर वेक्टर दोगे तो फिर यहां पर क्यू लिखना। और ए इंटेंसिटी का ढेर सारा फॉर्म मैंने तुमको बताया, ए हो गया वेक्टर फॉर्म, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशन अगर निकालना होगा तो बिल्कुल तुम आराम से निकाल सकते हो, डायमेंशन में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है, फोर्स का MLT-2, चार्ज का AT, दैट मीन्स MLT-3 A-1, ए हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को तुम एक लैंग्वेज में और समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, थोड़ा सा उस फिगर पर फिगर आ गया है तो मैं तुमको थोड़ा सा तुम्हारे लिए ठीक कर दूं इसको, ताकि तुमको समझने में सुविधा हो जाए। यस, अब तुम्हारा, अब क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा वर्ड तुमको ठीक से दिखाई दे देगा। अभी ए वर्ड यहाँ पर आ गया था ना, तो तुमको ये सेंटेंस पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर तुमको नोट्स बनाने में दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा सा उसको ये अच्छा कर दिया। तो इसको तुम दूसरे लैंग्वेज में पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। क्या मतलब बेटा, बाय द वे अगर आप यहाँ पर एक चार्ज ले लो, ये बाय द वे चार्ज है, अब इस चार्ज से बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलते हैं, तो जितना निकला, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स आर क्रॉसिंग फ्रॉम द एरिया, ये जो नंबर है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो बाहर निकल रहा है ना, ये देखो यहाँ पर चार्ज लिया गया, अभी चार्ज जो तुम यहाँ से ली, यहाँ पर सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से सब बाहर निकल रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, इसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या मतलब, मान लो कि इसका एरिया ds है, और इस ds एरिया से ये जो लाइन निकला, इसका नंबर है d phi, फ्लक्स को phi से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स ds एरिया से d phi फ्लक्स बाहर निकल रहा है, गुजर रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा, d phi/ds, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गया d phi/ds, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो d phi = eds, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और टोटल फ्लक्स तुमको निकालना होगा तो तुम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, कहने का मतलब है कि फ्लक्स का इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो बच्चे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में केवल आ जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप इसको यहां से डिफाइन कर सकते हो अच्छे से। मैं यहां सामने तुम्हारे से हट जाता हूं ताकि तुमको एक बार अच्छा से दिख जाए। तुम नोट्स, कोई बच्चा अगर नहीं बनाया होगा तो इसका नोट्स बना लेना, वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके तुम नोट्स अच्छे से बना लेना। नोट्स रहेगा तो तुमको बार बार पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। चलो बहुत अच्छे, अब एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम लेकर आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो बच्चा जो यहाँ पर दो केसेज होंगे, यहाँ पर दो केसेज क्यों होंगे, जरा बात समझने का प्रयास करना कि बाय द वे जैसे ये तुम ग्राफ ए लिए, अब चार्ज को तुम कहीं तो नहीं रखोगे, जो तुम्हें पॉइंट चार्ज दिया जा रहा है ना बेटा, उस पॉइंट चार्ज को आप कहीं नहीं रख सकते हो ना। इस पॉइंट चार्ज को रखने का दो पोजीशन हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि तुम इसको ओरिजिन पर रख सकते हो, और दूसरा हो सकता है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन कहीं पर भी रख सकते हो। तो बारी बारी से दोनों केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बेटा क्या कर रहे हैं ना कि व्हेन सोर्स इज एट द ओरिजिन ओ, देखो चार्ज कहां पर अभी प्लेस्ड है, इस ओरिजिन पर प्लेस्ड है, और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम पी कंसिडर करते हैं, यहां पर एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, वहां पर कोई और चार्ज है, क्यू क्या है,
ओरिजिन पर का चार्ज है, पी पर का चार्ज क्यू नोट है, डिस्टेंस आर है, नेट फोर्स एफ है। तो अभी तुमने वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा, 1/4πε0 क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, पढ़े ना अभी। लेकिन ये क्या निकला, ये तो फोर्स निकला बेटा, ये फोर्स है, तुम्हें फोर्स नहीं चाहिए, तुम्हें इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। और फॉर्मूला होता है अपन इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, क्या होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, क्या होता है फोर्स बाय चार्ज। अब बोलो फोर्स के बदले क्या पुट करोगे, तो अभी तुमने मेरे को बताया कि सर इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज। अब बोल फोर्स का वैल्यू क्या है, तो फोर्स का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और चार्ज कितना है क्यू नोट है। अबे क्यू नोट कट गया और जो बच गया वो आंसर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, और एक आंसर आ गया। ये आंसर कब का है, जब तुम्हारा सोर्स चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, ओरिजिन पर प्लेस्ड है। सोर्स चार्ज कहाँ प्लेस्ड है बच्चा, सोर्स चार्ज को तुम कहाँ रखे हो, ओरिजिन पर रखे हो। तो जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया एफ बाई क्यू नोट 1/4πε0 क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नोट कट गया, और जब ये क्यू नोट कट गया रे बच्चा तो तुम्हारा एक आंसर यहाँ पर आ गया, क्या आ गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। और इसी को जब तुम मोड में डाल दोगे तो ये कैप तुम्हारा हट जाएगा, मतलब 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। उम्मीद करें तुमको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, इजी कैसेज है, कोई बड़ा बात नहीं है। और मैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग को ऑफलाइन क्लास में क्लासरूम में मैं बहुत डिटेल्स पढ़ाया हूँ, बहुत सारे सम्स तुम इस पर बनाए हो, तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। लेकिन चल फिर भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें बताया। अब ऐसे तुम इसमें एक कैसेज और कर सकते थे, एक केस इसमें तुम्हारा और हो सकता था कि अगर बाय द वे केस टू, व्हेन सोर्स चार्ज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस बार सोर्स चार्ज कहां है, ओरिजिन से बाहर है। ओरिजिन से बाहर होने का मतलब हो गया कि बाय द वे अभी सोर्स चार्ज तुम्हारा यहां आ गया और पहले का चार्ज तो यहां पर है ही क्यू नोट, मे बी इसका पोजीशन वेक्टर आर वन, इसका पोजीशन वेक्टर आर टू, और ए डिस्टेंस हो गया बाय द वे आर। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो तुम फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 एक चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू नॉट, और बाय आर क्यू आर वेक्टर। अभी मैंने बताया था कि कैप को तोड़ोगे तो आर वेक्टर बाय आर होगा, मतलब ये फॉर्मूला मैंने अभी तुमको बताया। लेकिन तुम जरा फिगर से देख लो, ये फिगर क्या बोल रहा है, ये फिगर बोल रहा है कि आर वन प्लस आर इज इक्वल टू आर टू, डैट मीन्स आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। तो फिर इस आर के बदले तुम पुट कर दो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट। अब R के बदले कितना पुट करोगे, तो मोड में डाल दो R2 माइनस R। मोड में क्यों डालोगे, क्योंकि R है ना, ये तो R वेक्टर है। अरे R जब निकालोगे तो ये मोड में आ जाएगा ना R2 माइनस R1, ये तो वेक्टर फॉर्म में है ना, उसको मोड में डालने से मैग्नीट्यूड बन जाएगा तो R2, और इस R वेक्टर के बदले पुट कर दो R2 माइनस R1। लेकिन ये क्या निकला, ये तो फोर्स निकला, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो इंटेंसिटी चाहिए, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय चार्ज। अब जब तुम इसको किसको 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट मोड अंडर आर टू माइनस आर वन का क्यू आर टू माइनस आर वन, अब जब तुम इसको क्यू नोट से डिवाइड करोगे बच्चा तो एक क्यू नोट कैंसिल हो गया और जो बच गया वही आंसर है। क्या बच गया, यहां के बाद यहां लिख लेना, यहां के बाद ऐसे लिख लोगे, यहां पर E इज इक्वल टू बच गया 1/4πε0 Q अपॉन R2 माइनस R1 का मोड Q R2 माइनस R1। ए हो गया इंटेंसिटी, कब इंटेंसिटी हो गया, ए इंटेंसिटी तब हुआ जब सोर्स चार्ज ओरिजिन से बाहर है। पूरा मामला समझ में आ गया बच्चा।
मैं फिर से बोल दूं, अभी तुमने इंटेंसिटी पढ़ा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पर अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। अगर तुम्हें बाय द वे इस इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो इसका एक्सप्रेशन तुम्हें अगर कोई पॉइंट चार्ज दे दिया गया है तो सबसे पहले तुमको ये पता करना होगा कि तुम्हारे पॉइंट चार्ज का प्लेसमेंट कहाँ पर है। इस पॉइंट चार्ज को तुम दो जगह रख सकते हो, अगर ए ओरिजिन है तो ओरिजिन पर कितना रख सकते हो और फिर ओरिजिन से बाहर कहीं पर रख सकते हो। तो जब ओरिजिन पर हम लोग रख दिए, चलो मेरे समझ से इतना के बाद तुम इसका नोट्स बना सकते हो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ बच्चा, तुम्हारे सामने इतना था, तुमको जब बनाना होगा तो वहीं पर पॉज करके और इसको अच्छे से नोट्स लिख लेना, है ना। तो मैंने सबसे पहले तुमको बताया कि इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स बाई चार्ज होता है, एफ बाई क्यू होता है, और क्या लिखेंगे, 1/4πε³ आर कैप लिखेंगे। अगर बाई दे हम लोग इसको क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो ई इज इक्वल टू d5/dS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो d5 इज इक्वल टू e into ds तुमको बताया। फिर मैंने तुमको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम पॉइंट चार्ज पर कैसे निकाल सकते हो, इसका दो केस हो सकता है, ओरिजिन पर होगा तो क्या इसका होगा, तो ओरिजिन पर होगा तो इंटेंसिटी होगा q q0/r², क्योंकि फिर क्या होगा q0 कट जाएगा, q/r², r कैप अगर हम लोग मोड में डाल देंगे तो अपना r कैप हट जाएगा। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस मैंने अभी तुमको बताया कि अगर बाय द वे ओरिजिन से बाहर होगा तो क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर के लैंग्वेज में वो लेना था, उम्मीद करते हैं बच्चा तुम लोग को समझ में आया होगा। पूरे के पूरे टॉपिक्स को तुम दो बार तीन बार चार बार जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक तुम लोग इन सभी चीज़ों को देखते रहो और लिख करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करना, अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। और अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होगा तो मैं अपने तुम्हारे सामने अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 9110163511, इस पर तुम कॉल कर सकते हो, इस पर तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और फिर अगर कोई बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास में है तो ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल क्लासरूम में मेरे से बात कर सकते हैं। एक बात और है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब ऐसे नंबर ऑफ क्लासेस तुम्हारे पास जाते रहेंगे तो बार बार तुमको लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास मैसेज पहुंच जाया करेगा। तो बच्चे सभी लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी बताइए कि इतना अच्छा से क्लास मेरे को मिल रहा है, वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। और चलिए फिर नए क्वेश्चंस के साथ और आगे आपके जो हम मैंने क्वेश्चंस जो मैंने एक लिस्ट दिया है तो उनके और बाकी क्वेश्चंस के साथ मैं अगले क्लास में फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।